बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 1.4 टाइप 3 हमारे पास रहती थी सॉल्व करनी। रेडिकल इक्वेशन से एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट टाइप में आपने देखा आपके पास दो रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक रेडिकल इन्वॉल्व है। सेकंड टाइप में आपके पास तीन रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं, जबकि थर्ड टाइप में आपके पास दो रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं। इनको भी हम स्क्वेयरिंग के मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इसी मेथड से होता है। हम इसमें से 10 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपने इसमें देखा आपके पास रेडिकल जो है वो दो हैं, एक रेडिकल की ये टर्म है, एक रेडिकल की ये टर्म है। हम इसमें से अगर देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास दोनों टर्म्स में ये दो वैल्यू सेम आ रही हैं। इन दोनों को हम एक कॉमन वेरिएबल की इक्वल लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू वाई। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अंडर रूट वाई प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह हम वाई पुट करेंगे, अंडर रूट वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 3 एज इट इज। अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर लें, अगर देखें तो यहाँ पे a और ये आपके पास b हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस b होल स्क्वायर का, जो कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर लेंगे हम अंडर रूट a का स्क्वायर, अंडर रूट y प्लस 8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, अंडर रूट y प्लस 2 का स्क्वायर, और मिड में आपके पास क्या आएगा, 2ab 2 इंटू अंडर रूट y प्लस 8 अंडर रूट y प्लस 2। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास यहाँ क्या आएगा y प्लस 8 और यहाँ y प्लस 2। इसी तरह यहाँ भी आपने क्या करना है, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, y इंटू y y स्क्वायर, y इंटू 8 8 y, इसी तरह y इंटू 2 2 y, 8 इंटू 2 16, ठीक है। y प्लस y ऐड होगा तो आपके पास क्या आएगा, 2y 8 प्लस 2 10, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद आपने यहाँ से 9 को राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाना है, माइनस 9 हो जाएगा, और ये जो आपके पास रेडिकल वाली टर्म है इसको आप लेफ्ट से राइट साइड पे ले आएंगे, माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे आप 10 माइनस 9 1, अब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, 2y प्लस 1 अगेन a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, 2y प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab की टर्म 4y, यहाँ पे स्क्वायर ओपन होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रेडिकल टर्म रेडिकल स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये तीनों टर्म्स 4 से मल्टीप्लाई होंगी, 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64। अब जो आपके पास लेफ्ट पे टर्म्स हैं उनको लेफ्ट से राइट पे ले आए, यहाँ पे आपके पास ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1, इनको ऐड करें, माइनस प्लस की टर्म्स सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 40y माइनस 4y 36y 64 माइनस 1 63। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 63 को राइट साइड पे लेके आए, माइनस 63 36 डिवाइड होगा, इन दोनों की कटिंग होगी 9 के टेबल से, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 7/4। y की वैल्यू हमारे पास माइनस 7/4 है, बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, y को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x पुट करेंगे, इक्वल्स टू माइनस 7/4, यहाँ पे 4 डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाएं, दूसरी साइड पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 इंटू 3 12x, माइनस 7 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, b की वैल्यू क्या है, 12, और c की वैल्यू 7 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और ये याद रखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ड्राइव होता है। माइनस बी बी की जगह पे 12 पुट किया, वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 7 बाय 2 इंटू 4। माइनस 12 एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, 144 माइनस 112 32, 2 इंटू 4 8, 32 को आपको पता है रेडिकल में हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, तो 32 में 16 इंटू 2 आपके पास 32 होता है, 16 इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से 16 को सॉल्व करेंगे हम, माइनस 12 16 हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 अंडर 2 बाय 8, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 12 और 4 में से 4 कॉमन लिया, यहाँ माइनस 3 रह गया, इस टर्म में से सिर्फ अंडर 2 आपके पास रह गया, 4 8 कैंसिल होंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या है, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर 2 बाय 2।